नमस्कार स्टूडेंट, मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ वेदांश्री से। और आज की क्लास ये इंटरनेट की क्लास है जिसमें हम जानेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम के बारे में हम जानेंगे कि डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम अक्सर जो है, जब कभी भी किसी वेबसाइट को आप टाइप करते हैं तो वेबसाइट के जो लास्ट में .com, .net, .org, .co, .in, .in, .net, .in इस तरह का शब्द आपको टाइप करना पड़ता है। ये जो शब्द होते हैं, इन्हीं शब्दों को हम डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि मैं आ गया यहाँ पर, एक ब्राउज़र मैंने ओपन किया और मैं गूगल पे आ चुका हूँ, ठीक है। और मुझे क्या है कि जाना है JRS के वेबसाइट पर। वाराणसी की ITPMT की तैयारी कराने वाली एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैं यहाँ पर JRS मैंने टाइप कर दिया। JRS टाइप करने के बाद से नीचे इसकी वेबसाइट लिखी हुई है JRSTutorials.ac.in। तो ये .ac.in जो है, ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम होता है। वैसे इन डोमेन नेम्स का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इनका अलग अलग जो है दिया गया कैटेगरी बनाई गई है। इन कैटेगरी में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि .com लें कि .net लें या .org लें या फिर .co.in लें या .net.in लें, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, .com जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। फेमस का मतलब ये है कि अगर आपके वेबसाइट के में अगर डोमेन नेम .com लिया गया हो तो इसे जो है कोई भी सर्च इंजन बहुत जल्दी ढूंढ करके सामने लाता है। .com जो होता है उसको ढूंढ करके सामने बहुत जल्दी लाता है, ठीक है। .com जो डोमेन नेम होता है, ये इसे आसानी से, अब ये इसको लिया कैसे जाता है, इसको पाया कहाँ से जाता है, इस .com और डोमेन नेम रजिस्टर्ड करने वाली अलग अलग कंपनियाँ होती हैं जो कि डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करती हैं, ठीक है। डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करने वाली अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि आप बहुत फेमस एक कंपनी है जिसका नाम है GoDaddy। GoDaddy जो है, ये जो है डोमेन नेम रजिस्टर्ड करती है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, और मेरा नाम है प्रदीप, तो मैं सोच रहा हूँ मैं प्रदीप के नाम से वेबसाइट बनाऊँ। PRA यहाँ पर जो दिया है सर्च डोमेन, दिख रहा है सर्च डोमेन, तो PRADEEP प्रदीप मैंने करके और मैं सर्च डोमेन पे क्लिक कर दिया। वैसे प्रदीप नाम की वेबसाइट बन चुकी होंगी, बहुत सारे लोग बना चुके होंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी ने बना लिया प्रदीप.com, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है .net किसी ने बनाया, तो मैं प्रदीप.net से बना सकता हूँ, .co.in से बना सकता हूँ, .net.in से। तो ये अलग अलग जो डोमेन नेम होने से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी ने उस नाम का बना लिया हो, क्योंकि एक नाम के अनेकों कंपनियाँ होती हैं, अनेकों लोग होते हैं, अनेकों फर्म और सर्विसेज होती हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक ही डोमेन नेम होता, जैसे कि सिर्फ .com ही होता, तो दुनिया में दूसरा कोई उसका बना नहीं पाता, दूसरा कोई बना ही नहीं पाता, क्योंकि अगर एक एड्रेस पहले से ही उपलब्ध है इंटरनेट पर, किसी ने उसको ले रखा है, किसी ने उसको रजिस्टर्ड कर रखा है, दूसरा कोई उस पर नहीं रजिस्टर्ड कर सकता है। तो ये अलग अलग डोमेन नेम होने से फ़ायदा ये है कि आपका डोमेन नेम, आपके नेम के आगे डोमेन नेम आपका अलग हो सकता है, .net.com हो सकता है, .in, .org हो सकता है, और आप जब कभी भी किसी को अगर अपना एड्रेस बताएंगे तो उसके जो डोमेन नेम है वो आप अपने वाला बताएंगे, .com नहीं बताएंगे, जो कि आपका नहीं हो सकता है। तो देखिए, प्रदीप मैंने लिख करके मैं सर्च कर रहा हूँ। वैसे प्रदीप नाम से लगभग डोमेन जो है पहले से कोई ना कोई ले चुका होगा। मैंने प्रदीप लिख करके उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पर सर्च हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है डोमेन इस समय बचा है जिसको मैं रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ पर सर्च करके फिर ढूँढता हूँ। हॉटस्पॉट से मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी सर्च करने में। चलिए, मैं प्रदीप.com यहाँ पर लिख करके फिर से मैं सर्च करता हूँ। प्रदीप.com लिख करके मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए नीचे क्या दिखा रहा है कि प्रदीप.com इज टेकन, यहाँ पर ये पहले से लिया जा चुका है, ठीक है, तो ये मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं, मुझे मिलेगा क्या क्या, मैं प्रदीप.mobi लिख ले सकता हूँ, ये जो है प्रदीप.ind.in ले सकता हूँ, प्रदीप.co.uk ले सकता हूँ, प्रदीप.guru ले सकता हूँ। ये जो डॉट के बाद जो दिख रहे हैं ये सब डोमेन नेम है, और उसके सामने आप यहाँ देखेंगे ये GoDaddy जो है इसको ये डोमेन नेम बेचती है। जो भी आप डोमेन नेम लेते हैं वो एक एक साल के लिए आप रजिस्टर्ड, कम से कम एक साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रदीप.mobi मुझे लेना है तो 489 रुपये मुझे देना होगा, एक साल का मुझे देना होगा। प्रदीप.ind.in लेना है तो 230 रुपये मुझे देना होगा। तो यहाँ पर रेट भी इसके लिखे हुए हैं, लेकिन .com जो है ये नहीं है, ये इसको किसी ने पहले से ले लिया है, उसे बना लिया है। आइए मैं सोच रहा हूँ कि प्रदीप मिश्रा.com मैं देखूँ कि
pradeepmishra.com से मैं सर्च करता हूँ अपना डोमेन नेम, तो क्या कह रहा है कि इसे भी पहले से लिया जा चुका है, pradeepmishra.com is taken, लेकिन मेरे पास ध्यान दीजिए यहाँ पर pradeepmishra.co.in है उपलब्ध। अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, अपना डोमेन रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, तो ये .co.in मुझे मिल जाएगा। तो सोचिए अगर सिर्फ .com ही होता तो मुझे ये .co.in का ऑप्शन कभी नहीं मिलता, .org का ऑप्शन कभी नहीं मिलता, .co का ऑप्शन कभी नहीं मिलता, ये सब ऑप्शन मुझे नहीं मिलते हैं। तो डोमेन नेम हम इसे ही कहते हैं, और अलग अलग डोमेन नेम होने का यही फ़ायदा है, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। वैसे कहने के लिए कॉम को कमर्शियल कहते हैं कि .com में मतलब कमर्शियल जो होते हैं बिजनेस के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप किसी भी बिजनेस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेलिब्रिटी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो .com जो है डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम का मतलब ये होता है किसी भी वेबसाइट में डॉट के बाद जो भी शब्द होते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, जो कि आपके वेबसाइट को आपके सेम नाम से है और अलग आप उसे बनाना चाहते हैं, एड्रेस देना चाहते हैं, तो .com डोमेन नेम लेकर के .in डोमेन ले लेकर के आप उसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही बताया, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।